हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का हल करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो हेल्थ एंड डिजीज यानी कि स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड है, पोषक तत्वों से रिलेटेड है। आज का वीडियो ओनली रोग से होगा। इस प्रकार यह छठवा पार्ट है दोस्तों, हेल्थ एंड रोगों से, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज के से रिलेटेड। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन, चाहे TGT, PGT, KVS, NVS, राजस्थान, PTI, DSSB का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज MCQs का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप डेली बेसिस बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि उन रोगों को क्या कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी कारक द्वारा फैलते हैं। वो कारक कौन कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के माध्यम से, जल, वायु, भोजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसे कहते हैं संक्रामक रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिसमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कांटेक्ट संपर्क से फैलता है, जैसे कि आलिंगन करना, चुंबन करना, इस प्रकार के कांटेक्ट से फैलते हैं, यानी तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कॉन्टेजियस। जैसा कि कम्युनिकेबल डिजीज को दो, संक्रामक रोग को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्टेजियस, इन्फेक्टियस। कॉन्टेजियस में क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के माध्यम से फैलता है, और इन्फेक्टियस में हवा, पानी, भोजन और कीट द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खसरा यानी मिजल्स नामक बीमारी किससे फैलती है? इसमें वेरी कंफ्यूजन होता है। खसरा यानी कि मीजल्स जो होता है वह वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा, ठीक है। खसरा यानी मीजल्स जो है वह पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैरामिक्सो वायरस से कौन से बीमारी होती है? तो पैरामिक्सो वायरस से खसरा यानी कि रूबेला, इसको कहते हैं इंग्लिश में, होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मम्स यानी गलसुआ रोग किससे फैलता है? तो जो गलसुआ रोग है, जिसे मम्स बोला जाता है, या आरएनए वायरस, मम्स वायरस या रूबेला वायरस से फैलता है। एंड दोस्तों, यह मम्स जो होता है यह पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, अग्नाशय में और विसर ग्रंथि में, लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है। इसे बुखार, उल्टी, सिरदर्द आदि होता है। तो मम्स गलसुआ रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो यह भी वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जिसे श्लेष्मा ज्वर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्रतिश्याम या श्लेष्मा ज्वर भी बोला जाता है, यह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, यह इन्फ्लुएंजा भी एक श्वसन संबंधी रोग है। इसमें आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह वायरस से फैलता है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। यह आर्थ्रोमिक्सोवरिडे वायरस से फैलता है, या आर्थ्रोमिक्सो वायरस से फैलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण होते हैं छींक आना, त्वचा में खराश आना, गला में खराश आना, आंख व नाक से द्रव बहना, भूख न लगना आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्थीरिया यानी कंठ रोहिणी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, डिप्थीरिया जिसे कंठ रोहिणी कहते हैं, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि यह श्वसन तंत्र से रिलेटेड रोग ही है। यह आपका डिप्थीरिया जो है वह बैक्टीरिया से फैलता है। यह कोरिने बैक्टीरियम जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है, जिसको डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि जो कोरोना वायरस है, जैसा कोरोना वायरस का लक्षण होता है, उसी से मिलता जुलता लक्षण डिप्थीरिया का भी होता है। जैसे कोरोना वायरस में क्या होता है, एक गंठ में जाल सा बन जाता है, जिससे हमारे जो श्वास की प्रक्रिया होती है बाधित होती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जा रही है।
उसी प्रकार जो हमारा डिप्थीरिया होता है, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इसको कंठ रोहिणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे कंठ में एक जाल जाल सा बना देता है, ठीक है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके जीवाणु का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी इसके जीवाणु का नाम है, ठीक है। डिप्थीरिया जो है जीवाणु से फैलता है, जबकि कोरोना वायरस, कोरोना कैसे फैलता है, वायरस से फैलता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओपिंग कॉग, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, यह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह कुकुर खांसी, खांसी नाम ही है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। यह क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज जीवाणु से फैलता है, यानी बैक्टीरिया से। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कुकुर खांसी यानी ऊपिंग कॉग किससे फैलता है। तो यह आपका कुकुर खांसी, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेनिनजाइटिस, जो इसे दिमागी बुखार या मेनिनजाइटिस, जिसे दिमागी बुखार नामक बीमारी जो है, किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस। यह हमारे जो मस्तिष्क के ऊपर मेनिनजेज नामक जो झिल्ली से ढका रहता है, उसी झिल्ली में विकार उत्पन्न होने से मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबरकुलेसिस, यानी जिसे टीबी यानी तपेदिक कहते हैं, इसे क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलेसिस को क्या बोला जाता है? तपेदिक, क्षय रोग और ट्यूबरकुलेसिस, टीबी। यह किस तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? जो ये टीबी है, जब आपका खांसी बहुत लंबे समय तक हो जाता है तो वह टीबी का रूप धारण कर लेता है, जिसे जो टीबी होता है यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है टीबी, यानी कि इसके उपनामों को जरूर याद रखिएगा। टीबी को ही तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूबेला खसरा, जिसको कि जर्मन मिजल्स भी कहते हैं, वह कौन से वायरस से फैलता है? तो दोस्तों जो जर्मन मिजल्स यानी रूबेला, जर्मन मिजल्स का नाम आ जाए, जर्मन खसरा का, तो वहां आपका दोनों खसरा, एक खसरा है सिर्फ, एक जर्मन खसरा है, दोनों आपका विषाणु यानी वायरस से फैलने वाला रोग है। तो जो सिर्फ ओनली खसरा पूछेगा तो आपका पैरामिक्सो वायरस उसका रोगवाहक होगा, एंड रूबेला यानी जो जर्मन खसरा होगा उसका वायरस किस वायरस से फैलता है? जर्मन खसरा वह टोंगा वायरस से फैलता है, जर्मन खसरा टोंगा वायरस से, और सिर्फ खसरा जो है यानी मिजल्स, वह किससे फैलता है? पैरामिक्स वायरस से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गलसुआ रोग किस वायरस से फैलता है? गलसुआ, जैसा कि गलसुआ विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित, या आरएनए वायरस से फैलता है। किससे? आरएनए वायरस या पैरामिक्स विगडे मम्स वायरस से। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, जिसे श्लेष्मा ज्वर या प्रतिश्याम भी बोला जाता है, किससे फैलता है? तो यह आर्थोमिक्सोवरीडे वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? आर्थोमिक्सोवरीडे वायरस से, वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक कहते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा, चेचक है एक छोटी माता है, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं। जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक होता है किससे फैलता है? दोनों वायरस से फैलते हैं, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स भी या छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स भी, दोनों वायरस से फैलते हैं। लेकिन जो चेचक है स्मॉल पॉक्स, वह वेरियोला वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से फैलता है, जो कि जो चिकन पॉक्स है वो वरिसेला वायरस से फैलता है, छोटी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक किस उम्र तक के व्यक्तियों में फैलता है? तो यह युवावस्था में ज्यादा फैलता है, ये आप जैसे कि स्पष्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता कहते हैं, किस किससे फैलता है, किस वायरस से? यह आपका वरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है, वही
आपका स्मॉल पॉक्स यानी चेचक पूछता है तो वो रियोला वायरस हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेनिनजाइटिस, जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, उसका मेनिनजाइटिस दिमागी बुखार नामक बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको सेरेब्रो स्पाइनल फीवर भी बोला जाता है, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में होता है, इसलिए इसको मेनिनजाइटिस को, दिमागी बुखार को सेरेब्रो स्पाइनल फीवर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक किससे फैलता है, तो यह दोस्तों जो तपेदिक होता है, टीबी होता है, यह किससे फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक जिसे टीबी शॉर्ट में कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, यह किससे फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है, एचआईवी वायरस से फैलता है, और यह किस अंग को प्रभावित करता है, यह हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, और इसके लक्षण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर एकदम खत्म हो जाता है एड्स से। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एड्स फैलने के ओनली 3 कारण हैं, उसके अलावा चौथा कोई कारण नहीं है। 3 कारण में एक असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा आपका है कि एक सुई का प्रयोग किसी व्यक्ति में किया गया तो अगर उसको है तो दूसरे में किया गया उसी सुई का दोबारा प्रयोग तो उसमें हो जाएगा, एंड तीसरा फैलने का कारण है जो गर्भवती माँ है उसके बच्चे में, जब माँ को है एड्स तो बच्चे में हो जाएगा, बस 3 ही कारण है, इसके अलावा जो भी चौथा कारण रहेगा वो गलत रहेगा। एंड दूसरा है दोस्तों एड्स किस वायरस से फैलता है, यह एचआईवी वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो एचआईवी एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है दोस्तों येलो फीवर जिसे पीला ज्वर कहते हैं, यह किससे फैलता है, तो येलो फीवर जो होता है वह वायरस से फैलने वाला रोग है, किससे फैलता है, वायरस से। नेक्स्ट है दोस्तों डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है, तो जो डेंगू नामक बीमारी है वह वायरस से फैलने वाला रोग है, किससे फैलने वाला है, वायरस से, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डेंगू जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी, बैक बोन फीवर भी बोला जाता है, यह अरबो वायरस यानी एडीज एरिथ्राई मच्छर के काटने से फैलता है, जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो डेंगू जो है वह एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि मलेरिया किस मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों काला ज्वर किससे फैलता है, तो काला ज्वर किससे फैलता है, पैरासाइटिस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। काला ज्वर किससे फैलता है, काला ज्वर किसके द्वारा होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं आपका काला ज्वर अमीबी पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग, नारू रोग, मलेरिया, पेचिस, फाइलेरिया, टेपवर्म, ये सब काल परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। तो जो काला ज्वर है किस प्रोटोजोआ से फैलता है, यह पैरासाइटिस प्रोटोजोआ से फैलता है, किससे फैलता है, पैरासाइटिस प्रोटोजोआ। दोस्तों मैं सभी रोगों, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी से रिलेटेड रोगों को याद करने का ट्रिक एंड उसके वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का नाम, उसके प्रभावित अंग, उसके लक्षण डिटेल में बताया है सभी वीडियोज, तो आप एक बार देख सकते हैं, ट्रिक के साथ बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों काला ज्वर के पैरासाइटिस प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ल्यूसीमीना डोनोवानी के नाम से जाना जाता है, लासीमेनिया डोनोवानी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया किस पैरासाइटिस से फैलता है। ठीक है, फाइलेरिया जिसे कहते हैं यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो यह किस पैरासाइटिस से फैलता है। फाइलेरिया जिसे पीला पाँव कहते हैं दोस्तों, जो हमारा पैर बहुत ज्यादा फूल के यानी सूजन हो करके वो हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पाँव भी बोला जाता है फाइलेरिया को। और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। और इसमें क्या है कि फाइलेरिया किस पैरासाइटिस से फैलता है, तो नेमाटोड वार्म से फैलता है, नेमाटोड वार्म से। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइपरटेंशन नामक बीमारी किस के अंतर्गत आता है। तो यह हाइपरटेंशन जो होता है यह एक आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि असंक्रामक रोग यह नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग यह नहीं है, यह आपका मस्तिष्क से संबंधित कोई विकार है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलेरा जिसे हैजा बोलते हैं, कि फैलने में वाहक कौन होता है। हैजा जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, हैजा किससे फैलता है दोस्तों, हैजा जो है वह बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किस बैक्टीरिया के काटने से, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि हैजा के फैलने में वाहक कौन होता है, तो भोजन तथा पानी होता है। वाहक का काम कौन करता है, भोजन व पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइफाइड जिसे मोती झरा कहते हैं, ठीक है, टाइफाइड जिसे मोती झरा कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, आंत्र ज्वर भी बोला जाता है, इतने सारे नामों को इसके याद रखना है आपको। तो टाइफाइड को मोती झरा नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो यह हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें यह आंतों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, टाइफाइड किससे फैलता है। जो टाइफाइड है जिसे आंत्र ज्वर कहते हैं, मियादी बुखार, मोती झरा बोला जाता है, यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी तथा एबस्थेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो अभी मैं तुरंत बताई हूँ, इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया होता है एनाफिलीज मस्क्यूटो यानी कि मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन होता है, तो टाइफाइड भी आपका भोजन तथा पानी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जिसे जॉन्डिस या पीलिया बोला जाता है, इस रोग के फैलने का वाहक कौन होता है। तो यह रोग भी आपका पीलिया रोग जो होता है वह फैलता है वायरस के द्वारा। पीलिया किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस या पिकोरना वरिडे वायरस द्वारा यह फैलता है। और जो पीलिया होता है यह वायु तथा पानी के द्वारा, वाहक के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा जिसे श्लेष्मा ज्वर के फैलने का वाहक कौन होता है, तो यह इसका वाहक होता है वायु। कौन होता है, वायु। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा जो होता है वह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, और अर्थोमिक्सोवरिडो वायरस से, वायरस यह फैलता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी बोला जाता है, जिसे तपेदिक भी बोला जाता है, ठीक है, और जिसे क्षय रोग भी बोला जाता है। टीबी को तपेदिक और क्षय रोग बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। तो जो टीबी है, तपेदिक है, इसके फैलाने का वाहक कौन होता है। जैसे कि टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, वह जीवाणु द्वारा फैलता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है, और यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है टीबी, और यह वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, घाव पर धूल जंगने पर टिटनेस होने की संभावना रहती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। यह भी जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस। यह क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टिटनेस को धनुष टंकार रोग और लाख जा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टिटनेस किससे फैलता है, तो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है टिटनेस के बैक्टीरिया का क्या नाम है दोस्तों, तो टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रिडियम।
नेक्स्ट है दोस्तों कि संक्रामक रोग को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो दोस्तों संक्रामक रोग जो है उसको दो प्रकारों में बांटा गया है, कंटेजियस और इंफेक्टियस। ठीक है, कंटेजियस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क से, एंड इंफेक्टियस जो हवा पानी भोजन और कीट द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संक्रामक रोग को कौन से दो प्रकार में बांटा गया है, तो इसको कॉन्टेजियस और इन्फेक्टियस में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस नामक बीमारियां किन वाहकों के कारण होती है, कॉन्टेजियस द्वारा यानी कि संपर्क द्वारा। ठीक है, संपर्क द्वारा, यह दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, यानी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन्फेक्टियस नामक बीमारियां किन वाहकों के कारण होती है, तो इन्फेक्टियस जो होता है दोस्तों वो वायु पानी भोजन और कीट के द्वारा फैलता है, यह उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एसटीडी का पूरा नाम क्या है, एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट दोस्तों गोनोरिया नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है, तो गोनोरिया नामक बीमारी जो होती है यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, नाइसेरियाई गोनोरियाई बैक्टीरिया के द्वारा, इसे सुजाक भी बोला जाता है। यह यहाँ पे क्या पूछा है कि नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है, तो यह हमारा एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के अंतर्गत आता है गोनोरिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफिलिस नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है, तो सिफिलिस भी आपका एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है, और सिफिलिस भी जीवाणु द्वारा फैलने वाला यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैन क्रॉयड नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है, तो यह भी आपका एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है, यह भी दोस्तों एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है, या आप जितने भी एसटीडी के अंतर्गत आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत उसको जरूर अपने जुबान पे रख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंडेमिक नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है, तो यह भी आपका आता है एसटीडी के अंतर्गत, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों गोनोरिया किस से फैलता है, तो गोनोरिया जो होता है वह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, गोनोरिया किससे फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। गोनोरिया क्या होता है, वह नाइसेरियाई गोनोरिया बैक्टीरिया से फैलता है, यह दोस्तों यह हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिफिलिस किससे फैलता है, सिफिलिस भी आपका बैक्टीरिया से फैलता है, और सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है, और जो सिफिलिस होता है इसमें भी मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैनक्रोएट किससे फैलता है, तो कैनक्रोएट भी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैकेज नामक बीमारी के फैलने का कारण क्या है, तो इसके भी फैलने का कारण है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेग नामक बीमारी किससे फैलता है, जो प्लेग होता है यह चूहे द्वारा फैलता है, और यह बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से प्लेग फैलता है, जो चूहों द्वारा फैलाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो प्लेग होता है इसमें आरबीसी नष्ट हो जाता है, तीव्र ज्वर इसमें होता है। दोस्तों नेक्स्ट है पेचिस यानी कि डिसेंट्री किससे फैलता है, तो दोस्तों जो पेचिस होता है वह प्रोटोजोआ से फैलता है, किससे फैलता है, पेचिस प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, यह एंट अमीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ से फैलता है, यह हमारे आंतों को प्रभावित करता है, खून के साथ दस्त आता है पेचिस में। ठीक है, तो पेचिस जो है जिसे डिसेंट्री बोला जाता है इंग्लिश में, डिसेंट्री किसके द्वारा फैलता है, तो यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है।
नेक्स्ट है पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है, तो यह हमारे पाचन तंत्र यानी छोटी आंत को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों डिसेंट्री पेचिस का वाहक कौन होता है, यह दूषित भोजन व पानी के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों टाइफाइड यानी मोतीझरा का वाहक कौन होता है, यह भी आपका भोजन तथा पानी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, टीबी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोला जाता है, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोला जाता है, इसको कोढ़ भी बोला जाता है, इसको हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। तो यह जो हमारा कुष्ठ रोग लेप्रोसी होता है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों यह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, शरीर में ऐठन आ जाता है, हमारे मस्तिष्क और शारीरिक अंगों से जो जुड़ाव होता है वह टूटने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जिसे कोढ़ भी यानी हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है किसके कारण फैलता है, तो यह दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों एचआईवी टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसमें एलिसा टेस्ट ये किया जाता है दोस्तों, और एक और टेस्ट किया जाता है वेस्टर्न रोल टेस्ट भी बोला जाता है उसको, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और एलिसा टेस्ट, यह हमारा एचआईवी टेस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हर्पिस किससे फैलता है, तो हर्पिस रोग जो है वह फैलता है विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा, यह डीएनए हर्पिस वायरस से फैलता है, तो किससे फैलता है, हर्पिस एडिनो वायरस से, किससे फैलता है, एडिनो वायरस से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हेल्थ एंड डिजीज यानी कि स्वास्थ्य पोषण और रोगों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज थे उस सबको मैंने पूरा कर दिया। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो शारीरिक विकृतियां हैं यानी डिफॉर्मिटीज हैं उन सब के बारे में वीडियो होगा, तो आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बोलिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बेहतर तैयारी के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।